बाद निर्णय गाइडलाइन जारी की। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए कल जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन आई थी कि 7 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, उसके क्रम में अजमेर जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसको भी खुलना है, तो हमने कल एक पहले से एक मीटिंग तमाम अंजुमन और खुदाम हजरात और जो बारीदारान है और जो दीवान साहब के जो नुमाइंदे हैं, तो हम सब लोगों ने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर ये तय किया था कि हम को दरगाह खोलनी है। दरगाह के अंदर जो रसूमात है जो चली रही है और जायरीन जो आए उनको हाजिरी देने का वो पूरी तरीके से हाजिरी दे लें और गेट मैक्सिमम खुले, आसपास के मार्केट खुले, ये सब बातें हमने प्रशासन के सामने रख दी है। प्रशासन ने उन सब बातों को गौर किया है और हमने तय ये किया है कि दरगाह खुले, दरगाह के मैक्सिमम गेट खुले और कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बता दिया है कि जो 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, बच्चे नहीं आए और हम लोग जो दरगाह कमेटी है, अंजुमन है और दीवान साहब के नुमाइंदे, हम सब लोगों की और प्रशासन की कोशिश रहेगी कि जो जायरीन जो आएंगे उनको किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हमको संभालना है कि भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, तमाम जो जायरीन अंदर जाएंगे वो मास्क लगा के जाए, उनका हम लोग जो है उनकी स्कैनिंग करेंगे और वहाँ पे गेटों के ऊपर हम लोग जो है सैनिटाइज़र के वो लगाएंगे ताकि वो लोग सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सके और वो सैनिटाइज़र भी हमने ऐसा हमको मिला है जो जिसके अंदर एल्कोहल नहीं होगा, वो हमने मंगवा लिया है, उसी को लगाएंगे ताकि अंदर जो है जो दरगाह की जो पवित्रता है, पाकिजगी है, उसके अंदर वो बनी रहे। तो इन सब बातों का ख्याल रख के आज बात हुई है। एक बार थाने पर और मीटिंग हो जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि दरगाह 7 तारीख को खुल जाएगी और इसकी मैं तमाम जो गरीब नवाज के जो अकीदतमंद है, जो उनको मानने वाले हैं, जो श्रद्धालु है, उन सबको कहना चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। सबसे जो बड़ा मकसद वो ये है कि सबकी लोगों की जो जायरीन है उनकी जानों की हिफाजत हो, लोगों की हिफाजत हो और वो 7 कैरियर से यहाँ पे अपनी जियारत करके, अपने दर्शन करके वो 7 कैरियर से अपने घरों को पहुँचे। 7 तारीख को जो दरगाह खोलने के लिए, दरगाह शरीफ और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन आई है उसको लेकर के आज कलेक्टर साहब ने यहाँ पर दरगाह से जुड़े हुए सभी लोगों को बुला करके एक मीटिंग ली। मीटिंग में उस गाइडलाइन को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उस गाइडलाइन को चलते हुए अगर हम दरगाह को खोलते हैं और उसके ऊपर वैसा ही अमल करते हैं तो जो आने वाले जायरीन हैं उनका कोई मकसद ही नहीं रह जाता है, चूँकि उसमें ख़ास बात ये रखी गई है कि फूल माला और चादर नहीं चढ़ेगी। तो लोगों का मकसद ही ये होता है। हमने ये कहा कलेक्टर साहब से कि हम जब प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर हमें दावत देते हैं और वहाँ पर बुला करके दरबार शरीफ की चादर हमारे सुपुर्द करते हैं और जितने भी लीडरान अपोजिशन के हैं वो भी अपनी अपनी चादरें, ख्वाजा साहब के दरबार में खुद गहलोत साहब भी सोनिया गांधी जी की चादर लाते हैं और मोदी जी ने चादरें हमारे हवाले की दरबार में पेश करने के लिए। तो लोगों का ये, जायरीन का भी ये है कि जब आप तो वहाँ से चादरें भेजती हैं और जो जायरीन यहाँ पर बड़ी अकीदत और मोहब्बत और आस्था के साथ में अपने घर से ये नियत करके चलते हैं कि हम दरगाह में जा कर के हमारी श्रद्धा से श्रद्धा के फूल पेश करेंगे, चादर पेश करेंगे, अगर वो ही उसकी मनादी अगर होगी तो उनकी आस्था कैसे पूरी होगी, उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगा। लिहाजा हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि आप इस गाइडलाइन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करें, थोड़ी नरमी लेकर के आएँ ताकि जो आने वाले जायरीन हैं उनका मकसद पूरा हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो अभी दरगाह के अंदर 1 नंबर गेट खुला हुआ है, जब दरगाह खुलने का ऐलान होगा, चूँकि हज़ारों लोग जो है टेलीफोन के ज़रिए रोज़ाना खुद्दाम हजरात के पास भी कॉल करते हैं कब खुल रही है, तो दरगाह खुलते ही जो क्राउड आएगा तो हम ये चाहते हैं कि दरगाह के जितने दूसरे गेट हैं वो भी खोले जाएं ताकि एक गेट के ऊपर क्राउड नहीं हो और गैदरिंग ना हो, क्योंकि कोविड 19 का मकसद ही ये है कि गैदरिंग को कम करना है।
लोग एक जगह जमा ना हो। तो हमारा कहना यह है कि दरगाह के सब गेट खुलें और जिस तरह से एक नंबर गेट पे जाब्ता लगा हुआ है दूसरे गेटों पर भी लगाएं और उसमें जो भी नियमित करें कि किस तरीके से छोड़ना है, किस तरह से ज़ायरीन जाएंगे, कैसे निकलेंगे, उसको सुचारू रूप से करने में हमारी ये बात हुई है कि हम अंजुमन खुद्दाम हजरात, दरगाह कमेटी, दोनों अंजुमने, दरगाह दीवान, हम सब मिलकर के और प्रशासन, हम सब मिलकर के एक टीम बनाएं जिससे कि दरगाह शरीफ खोलने के लिए ज़ायरीन की आमद और रफ्त को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की भी पालना हो जाए और जो लोग आने वाले हैं उनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचे। और जितने व्यापारी हैं जो जिनकी रोज़ी रोटी आज 170 दिन हो गए, तमाम सिर्फ खुद्दाम हजरात की बात नहीं है, खुद्दाम हजरात के तो 2000 परिवार हैं, उसके अलावा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब दरगाह खुले तो जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए कि दरगाह खुलने के बाद भी उसकी रोज़ी रोटी बंद रहे। हम ये चाहते हैं दरगाह खुलने का फैज़ सबको पहुंचना चाहिए, ज़ायरीन भी यहाँ पर आएँ, उनकी भी आस्था पूरी हो और उनकी ज़्यारत हो, और जो यहाँ से मुतल्लिक़ीन हैं उनके भी जो रुके हुए काम हैं वो सब चलें, और जितने व्यापारी हैं उनकी भी रोज़ी रोटी खुल जाए। हमारा मकसद ये है और हमने ये बात कलेक्टर साहब के ज़रिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के वहाँ पर पहुँचाने के लिए ये आग्रह किया है और उसको वो पहुँचाएँगे। देखिए 7 सितंबर से राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, जिसके लिए प्रिकॉशंस कोविड का प्रसार न फैले इसके लिए जो रखनी है उसके लिए कल दौरा भी किया गया था यहाँ दरगाह का, आज बैठक भी रखी गई थी। खासकर प्रिकॉशन जो बाहर से लोग आएंगे धार्मिक स्थलों पर उनके लिए है कि किसी भी तरह का चढ़ावा ऑफरिंग वो नहीं होगी धार्मिक स्थल पर, चाहे फूल हो, माला हो, प्रसाद हो, चादर हो, किसी भी तरह की ऑफरिंग नहीं होगी। तो कृपया करके उसको ध्यान में रखते हुए ही विज़िट करें। आसपास भी अगर कोई ऑफरिंग की दुकान है उसको भी फिर हमें बंद कराना पड़ेगा। किसी भी धार्मिक स्थल पे वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन इसकी व्यवस्था उनको स्थल वालों को रखनी पड़ेगी, एक अनिवार्य शर्त है। और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको वहाँ पे विज़िट करानी होगी जो भी लोग आएंगे। तो इन्हीं प्रिकॉशंस के साथ 7 सितंबर से धार्मिक स्थल अजमेर में भी खुलेंगे और हम भी इंश्योर करेंगे कि जो भी टेंपल के या फिर दरगाह के जो भी लोग हैं अंदर के वो इस व्यवस्था को पूरा मैनेज करके रखें ताकि कोविड का संक्रमण हमारे धार्मिक स्थलों से आगे न फैले। एक दरवाज़ा अगर खुलता है तो उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि गैदरिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए ज़्यादा दरवाज़े खोले जाएंगे।